पिछले एपिसोड में जिस रत्नागिरी दर्शन के बस के बारे में पूरी जानकारी दी थी, आज हम उसी रत्नागिरी दर्शन के बस में बैठकर निकलते हैं। भाई टिकट कौन लेगा, पहले टिकट तो लो। हाँ, 150। हाँ, दो चार जन का, तीन हाफ, एक फुल, 1050 रुपये हो गया। ये एज ऑफ नाउ December 2022 का रेट है, ठीक है। तो पर हेड एडल्ट्स का ओनली 300, ओके। और 12 साल या उससे कम 150 रुपीस, ओके। 12 साल से कम, ओके। सुबह सुबह आसमान का नीला रंग और खिलते हुए धूप का सुनहरा किरण नज़ारों को और भी खूबसूरत बना देते हैं। कोकण के रास्ते सी लेवल पे जितना सुंदर दिखते हैं, पहाड़ पे चढ़ते वक्त भी उतने ही खूबसूरत लगते हैं। हाईवे छोड़कर पतले पतले गांव के रास्ते से गुजरकर हम पहुंच गए पहले पॉइंट पे। जो पहला पॉइंट है वो है गणेश गुड़े का गणपति मंदिर। तो आंटी बोल रही है कि गणपति पुड़े का जो गणपति था है वो पहले गणेश गुड़े में था, उसके बाद वो गणपति पुले में शिफ्ट हुआ। उंदीर मामा ढोलबाजी उंदीर मामा। इस मंदिर का जो परिसर है बड़ा है, रंगरेजन नया किया था। सुबह का वक्त था इसलिए अंदर प्रवेश करते ही ठंडा लग रहा था, मानो जैसे एकदम शांत जगह पर आ गए। घंटी का आवाज और शिला पर बना हुआ ये गणेश जी का मूर्ति और उस पर चढ़ा हुआ ये सुंदर सा हार, भक्तों के चढ़ाए हुए ताजे फूल, अगरबत्ती का खुशबू, कपूर का दिए का खुशबू, इन सारे खुशबुओं से जैसे मंदिर महक रहा था। मंदिर के बाजू में जो बड़ा सा परिसर है उससे जब आप बाहर देखेंगे तो आपको इस तरह का पूरा जंगल दिखाई देगा और बहुत ही खुशनुमा वातावरण है यहाँ का। जब तक ये भाई अपना लिस्ट बोल रहा था उंदीर मामा को, मैंने भी अपना लिस्ट तैयार किया और उसी के बाद उंदीर मामा के कान में बोल दिया। देखते हैं लिस्ट में से कितने चीज पूरे हो जाते हैं। ट्रेन चलने का आवाज और घंटे का आवाज मेरा फेवरेट है। 1970 में इस मंदिर का रेनोवेशन किया गया था। अलग अलग चिड़ियों की आवाज है, सिर्फ चिड़ियों की आवाज है, और जब घंटा बजता है तो उसका आवाज है। नहीं समझ सकते आप YouTube में ये क्या फीलिंग है, आपको आना पड़ेगा इधर। पहला पॉइंट गणेश गुड़े मंदिर देखने के बाद हमारी गाड़ी निकल पड़ी दूसरे पॉइंट जो कि है, तो हमारा जो अगला स्पॉट है वो है आड़ीवरे महाकाली मंदिर, ठीक है। मंदिर के प्रवेश द्वार के बाजू में ही पूजा के लिए थालियां मिलते हैं। प्रवेश द्वार के अंदर घुसते ही आपको एक बड़ा सा परिसर दिखता है जहाँ पर आपको कॉलमलेस एक रूफ दिखेगा और वहीं पे सटा हुआ आपको एक रंगमंच भी दिखेगा। मुख्य मंदिर में प्रवेश करते ही आपको सुंदर सुंदर खंभे दिखेंगे जिस पर कलाकृतियाँ की हुई है। वहाँ पर एक महाराज का भी तस्वीर है लेकिन समय के अभाव के कारण ज़्यादा जानकारी नहीं जुटा पाए कि ये किनका है। और वहाँ पे एक पालकी भी रखा हुआ था और उसी के बाजू में जो मुख्य मंदिर है उसका प्रवेश द्वार है। अंदर काफ़ी भीड़ थी। ये लीजिए, थोड़ा दर्शन कर लीजिए महाकाली के मंदिर के भगवान के। और उन्हीं के परिसर में दूसरे भगवान भी मौजूद थे। ये जो आप देख रहे हैं ये महा सरस्वती प्रसन्न का भव्य मूर्ति देख रहे हैं आप। प्रवेश द्वार में घुसते से ही जो हॉल देखा था उसके ऊपर महिषासुर मर्दिनी का पूरा चित्रांकन किया हुआ है जहां पर माँ दुर्गा महिषासुर का वध कर रही है। हॉल में उजाला करने के लिए छत के ऊपर झालर मतलब शैंडेलियर्स लटकाए गए थे, छोटे बड़े मिक्स थे, एक बहुत बड़ा था जो बीचों बीच था और उसके आसपास कुछ छोटे छोटे थे जो जिनमें से कुछ जल भी रहे थे। इसी छत के एक तरफ हमको विष्णु जी का फेमस पिक्चर दिखा जहाँ पर विष्णु जी शेषनाग के ऊपर लेटे हुए हैं और चरणों में लक्ष्मी माता है।
मंदिर के बाहर के परिसर में एक पीपल ट्री के नीचे हमें ये दो शिलाएं दिखी जिसके ऊपर खुदाई की हुई थी भगवान का और कुछ लिखा हुआ था लेकिन जानकारी नहीं जुटा पाए। प्रसाद, ओढ़नी, चुनरी ये सब खरीदने के लिए जो स्टॉल है वो मंदिर के बाहर ही लगा हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अगले एपिसोड में आगे बढ़ेंगे।